हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अल्फा ट्रेकी। गाइज आ गए फिर से मैं एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा फ्री फायर न्यूज़ के बारे में। जो हमारा फ्री फायर इंडिया आने वाला है, तो भाई हम लोग को लगता है कि जल्द ही फ्री फायर इंडिया देखने को मिल जाएगा, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे न्यूज़ एंड लीक्स निकल के सामने आ रहे हैं। भाई यहाँ पे भाई मेरे जो यहाँ पे लीक्स निकल के सामने आए, मैंने उनको पढ़ा हुआ है, उसके बारे में जानकारी निकाली है। तो भाई हो सकता है कि हम लोग को जुलाई मंथ में हम लोग को फ्री फायर इंडिया देखने को मिल जाए। भाई इसी वीडियो में मैं आप लोग को कुछ हिडन प्लेस भी बताऊंगा, ये नहीं कि सिर्फ आप लोग को न्यूज़ बता के चला जाऊंगा। भाई इस वीडियो में आप लोग को दो बेनिफिट दिलाने वाला हूं। तो यार अगर वीडियो को आप लोग पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पास में एक बेल आइकन भी आता होगा, उसको भी प्रेस कर लेना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं गरीना फ्री फायर इंडिया के बारे में, जो कि हमारे अभी इंडिया में तो बैन है, लेकिन उसके बारे में रूमर भाई निकल के आ रहा है कि हम लोग को जो नेक्स्ट मंथ जुलाई में देखने को मिल जाएगा। कुछ फोटो और कुछ वीडियोस यहां पे लीक्स हुए हैं भाई गरीना की तरफ से, वो सबसे मैं पहले आप लोग को दिखा देता हूं। तो स्क्रीन पे आप सभी लोग देख सकते हो, ऐसा कुछ इमेज निकल के सामने आया, फ्री फायर इंडिया वी आर एक्चुअली वर्किंग विथ रेगुलेटर लोकल पार्टनर्स टू रिलॉन्च फ्री फायर इंडिया। भाई यहाँ पे कमिंग सून करके एक ऐसा इमेज निकल के सामने आया फ्री फायर इंडिया वालों की तरफ से। यहाँ पे भी डेट कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन भाई मैं बोल रहा हूँ जुलाई में आएगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई स्क्रीन पे आप सभी लोग एक और इमेज देख पा रहे हो, यहाँ पे थाला इज कमिंग लिख रहा है। तो इस पे जो है भाई जो थाला करेक्टर हमारा आने वाला है, हो सकता है फ्री फायर इंडिया के साथ ही आ जाए। और भाई जो थाला करेक्टर का यहाँ पे लिखा गया है कि जुलाई में आ जाएगा, हो सकता है कि हमारा फ्री फायर इंडिया भी जो है थाला के साथ फ्री फायर इंडिया जुलाई में आ जाए। वैसे भाई आपके क्या थॉट्स हैं वो नीचे जरूर कमेंट करके बताना। तो और भी कुछ लीक्स निकल के सामने आया है कि भाई हमारे फ्री फायर इंडिया का काम जो है चालू हो चुका है, और गवर्नमेंट ने हमें मतलब उस फ्री फायर इंडिया को जो है अलाउ कर दिया कि आप भाई अब आके हमारी इंडिया में बिजनेस कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ मैं और भी आप लोग को इमेजेस दिखा देता हूँ, और मैं आप लोग को समझा देता हूँ अच्छे तरीके से। स्क्रीन पे आप सभी लोग एक और इमेज देख पा रहे हो, ये ऑफिशियल गरीना वालों की तरफ से जो है निकाला गया है, और यहाँ पे लिखा गया फॉर फ्री फायर रिलॉन्च इन इंडिया एट दिस मोमेंट वी आर एक्चुअली वर्किंग विद ऑल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग द रेगुलेटर्स। तो आप वीडियो को पोस्ट करके भी पढ़ सकते हो। तो इसमें यही इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है बार बार हम लोग को कि इंडिया में जो है हमारे रेगुलेटर्स के साथ जो है जो डेवलपर्स लोग होते हैं उन लोग के साथ काम शुरू हो गया है। और भाई बोला जा रहा है कि हमारे मुंबई में जो है आप लोग को देखने को मिल जाएगा, इसका जो हाउस होता है ना भाई, जहाँ पे आप लोग को सर्वर देखने को मिलता है, वो सर्वर भी हमारे इंडिया से ही लिया जाएगा। जैसे कि अदर सर्वर होता है सिंगापुर से होता है, तो सिंगापुर में ही आप लोग को सर्वर देखने को मिलता है। इस बार हम लोग का जो फ्री फायर इंडिया आएगा वो हमारे मुंबई से सर्वर लिया जाएगा, और सारा कुछ ऑफिस जो है मुंबई में ही बैठाया जाएगा। गरीना फ्री फायर तो अब आने वाला है, उसका ट्रेलर भी आप लोग को जल्दी देखने को मिल जाएगा, उसका भी एक पोस्टर लीक हुआ है। अब भाई ये कंफर्म है कि नहीं है कि ये तो नहीं मालूम, लेकिन आप लोग को जो है जल्द ही गेम आप लोग को हमारे इंडिया में देखने को मिल जाएगा। और भाई अनबैन क्यों ना हो, क्योंकि इससे भाई इतनी जीडीपी बढ़ती थी, भाई आप लोग को इतना सारा गेम खेलने में भी मजा आता था, और ऊपर से गवर्नमेंट का भी फायदा हो रहा था। भाई फ्री फायर इंडिया तो आने वाला है, ये तो कन्फर्म हो गया भाई। अब इसका डेट जो है मेरे को लग रहा है कि जुलाई में देखने को मिलेगा। वैसे आप लोग क्या थॉट्स हैं वो नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। चलो यार अब हम कुछ दो तीन हिडन प्लेस के बारे में भी बात कर लेते हैं, देख लेते हैं जिससे आप लोग का रैंक पुश हो जाए और अपने टीममेट्स का भी रैंक पुश करवा सकते हो। तो चलो यार पहले लोकेशन की तरफ चल। तो हमारा फर्स्ट लोकेशन यहाँ पे नेक्स्ट मैप में है। आप लोग यहाँ पे आ जाना है, जो यार लोकेशन पे देख पा रहे हो यहाँ पे जो यहाँ पे पीछे भूसा वगैरह पैरा वगैरह रखा रहता है, तो वहाँ पे आप लोग को सेंटिनो करेक्टर का इस्तेमाल करके यहाँ पे आप लोग को टोटल 3 ग्लोवाल की जरूरत पड़ेगी। आप लोग को जाना है वो खाने में जो सेंटिनो करेक्टर का इस्तेमाल कर देना है, और उसके बाद यहाँ पे अच्छे तरीके से आप लोग को 3 ग्लोवाल सेट कर देना है। और जब कुछ इस तरीके से आप लोग तीनों ग्लोवाल सेट कर लो, देन उसके बाद आप लोग को जो है सेंटिनो करेक्टर का इस्तेमाल करना है। और उसके बाद आप लोग इसके अंदर आ जाओगे, यहाँ पे एक छोटा सा दीवार रहता है उसके अंदर आ जाओगे। यहाँ पे एनिमी लोग भी आप लोग को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप लोग दीवार के पीछे हो। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे एक एनिमी गया है, लेकिन मैं उसको मार भी नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं भाई यहाँ पे छिपा हुआ, वो मेरे को नहीं देख पा रहा है। काफी अच्छे लोकेशन है, यहाँ पे आप सभी लोग आगे पीछे भी होकर थोड़ा बहुत टहल भी सकते हो। निकलने के लिए भाई आप लोग को कुछ भी नहीं करना, सिंपली आप लोग ऐसे करके आराम से निकल जाओगे, किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे बंदा है भाई, एक बंदा ऑफलाइन बैठा रहता है, तो मैं उसको आराम से मार देता हूँ। तो चले यार बिना किसी देरी के सेकंड लोकेशन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी जो दूसरी लोकेशन है वो रिवर साइड पे, यहाँ पे प्लांटेशन के साइड में जो आप लोग को देखने को मिल जाता है नीचे थोड़ा सा रिवर साइड पे, यहाँ पे आप लोग को मिनी लॉन्च पैड लेके जाना है, और भाई यूज करना है देन लीव कर देना है। आप भाई यहाँ पे जो है जो नीचे पुल होता है ना उसके नीचे आ जाओगे, तो यहाँ पे कोई भी बंदा आपको स्पॉट नहीं कर सकता। आप लोग यहाँ पे भी रहकर अपना रैंक पुश कर सकते हो, एंड काफी टाइम इधर जोन बनता है भाई, आप लोग यहाँ पे बहुत देर तक अपना रैंक पुश कर सकते हो। ठीक है, हाँ तो यार यहाँ पे आप सभी लोग अपने टीममेट्स को भी लेके आ सकते हो। और भाई यहाँ से निकलने का सबसे आसान तरीका ये है, भाई आप लोग यहाँ पे आ तो सकते हो बिल्कुल आराम से, और जा भी सकते हो बिल्कुल
बिल्कुल आराम से। आप लोग को कैसे निकलना है यहाँ पे, आप लोग को ऊपर साइड जो है ऐसे चढ़ जाना है भाई, आप लोग वहाँ पे तुरंत ही बाहर निकल जाओगे। सबसे आसान तरीका यहाँ पे निकलने का है भाई, ठीक है। तो चलो यार बिना किसी देरी किए अब हम नेक्स्ट लोकेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो सबसे लास्ट लोकेशन वो है यहाँ पे एलसेफ हाउस पे, तो यहाँ पे आप लोग को मिनी लॉन्च पैड लगाना है और उसके बाद लीव कर देना है, यूज करके लीव कर देना है भाई। यहाँ पे मेरा थोड़ा सा जो है बॉडी थोड़ा सा दिखता क्या है भाई, पीछे से बंदे लोग मेरे को बजाना शुरू कर देते हैं, ये देखो। तो भाई मैं यहाँ पे ग्लूवाल लगा लेता हूँ टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए, और उसके बाद एसपीएसपी फुल कर लेता हूँ भाई। उसके बाद आप लोग को फिर से एक बार और ट्राई कर लेना है भाई। आप लोग देख सकते हो यार बिल्कुल एलसेफ के हाउस के अंदर जो सीढ़ी नहीं चढ़ी रहती है, आप उसके अंदर चले जाते हो और आपको कोई भी बंदा वहाँ पे मार नहीं पाएगा भाई। यहाँ पे मैं कुछ देर वेट करता हूँ और अपना रैंक पुश करता हूँ। तो भाई अब मेरे को बाहर निकलना है, तो मैं कैसे निकलूंगा? तो आप लोग को क्या करना है, सिंपली कुछ भी नहीं करना है, फिर से जाना है, आप लोग को यूज बटन करना है भाई। मेरे बगल में एक एनिमी रहता है लेकिन मैं फिर से चला जाता हूँ, फिर दोबारा मैं बाहर निकलने के लिए थोड़ा सा एम इधर कर देता हूँ और भाई उसके बाद मैं जाके पीछे से इस बंदे को आराम से मार देता हूँ। तो आप भी ये ट्रिक जाके ट्राई कर सकते हो, ये ट्रिक किसी भी एलसेफ हाउस पे काम करता है, आप कहीं पे भी किसी भी एलसेफ हाउस पे एक मिनी लॉन्च पैड लगा के ये ट्रिक अपना काम कर सकते हो। गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। गाइस अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग को रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा उस पर क्लिक कर दो बस। डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है भाई, वहां से जाके आप लोग ज्वाइन भी हो सकते हो। कुछ न्यूज एंड अपडेट्स मैं जो है आप लोग को व्हाट्सएप पे ही बताऊंगा, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन से व्हाट्सएप का ग्रुप है वहां से भी ज्वाइन हो जाओ। यार आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म गाइस, मिलता हूं मैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड रहो, मस्त रहो, टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स, लव यू फॉरएवर।